नमस्कार गुडलक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों कहते हैं समय पर किया गया थोड़ा सा प्रयास भी आगे की बहुत सी परेशानियों से हमें बचा सकता है, और हम कोशिश करते हैं आपको इन्हीं परेशानियों से बचाने की, देने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुडलक टिप्स में। चलिए जानेंगे कैसा रहने वाला है आपका दिन, क्या कहते हैं आज के आपके सितारे और कैसे करना है आपको इन सितारों को खुश। ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप हमसे चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ आपको हमें बताना है आपका नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुडलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको कर्जों से मुक्ति। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आज आप अपना ध्यान अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर लगाएं। आपका आत्मविश्वास और आपका आकर्षण आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में भी मददगार साबित होगा। आज आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है, भावुक होकर आज कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान करें, निश्चित तौर पर पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए मध्यम फल देने वाला रहेगा। दिन भर लगातार बदलती हुई परिस्थितियों और बदलती हुई सोच के साथ में तालमेल बैठाना होगा। पैसों के मामलों पर आज किसी पर भी विश्वास नहीं करें, साझेदारी में आज आपको नुकसान हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन अच्छा है, धन का लाभ हो सकता है, अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न हो सकते हैं। आज आपको अपना व्यवहार और सोच दोनों सकारात्मक बनाए रखनी है। पैसों के मामलों पर आज दूसरों से विचार विमर्श नहीं करना है। हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, अपने स्वास्थ्य का आज आपको ध्यान रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों ये आसान से टिप्स आपको बताने अपनाने हैं, लेकिन उससे पहले बाकी के राशियों से भी बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनका नाम लोकेश है, ये अलवर से है। 17/8/76 इनका तारीख है, सुबह 8:15 का इनका जन्म है। लोकेश जी, हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। गुरु जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। गुरु जी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मतलब स्वास्थ्य से, आर्थिक दृष्टि से, कर्जे से, और घर पे बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल निशाय हो गई, मेरी बेकार स्थिति से चल रहा हूँ। गुरु जी इससे निकलने का कोई उपाय बताएं। गुरु जी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, कर्जे में डूबा हुआ हूँ और कोई काम नहीं, कोई कुछ धंधा नहीं, और शरीर से स्वस्थ भी नहीं हूँ, और घर पे ऐसे बैठा हूँ जैसे कोई बिल्कुल परेशान आ रही। देखो बेटा ऐसा है कि एक तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष बना हुआ है, भाग्य स्थान में चंद्रमा और केतु दोनों एक साथ में बैठे हैं। चंद्रमा और केतु जब साथ हो जाते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है, तो भाग्य का सुख नहीं, और यदि भाग्य का सुख नहीं हो तो जिंदगी में सफलता प्राप्त नहीं होती। दूसरी, आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है, शनि आपकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव में शत्रु राशि चंद्रमा के घर में बैठा है, विषयोग बनाते हुए, तो कर्जे की स्थिति बना देता है, अपमान अपयश करवा देता है, कोर्ट कचहरी करवा देता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में सफलता मिले तो सबसे पहला काम तो ये करना है, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में उज्जैन या नासिक में इसका विधान है, वहाँ जाकर आप सबसे पहले तो कालसर्प दोष की पूजा करवाएं।
दूसरा चूंकि राहु के 18 साल की महादशा चल रही है और यदि आप चाहते हैं कि अगले 18 साल आपके जीवन के अंदर सुख में हो, शुभ में हो, तो उसके लिए हर रविवार को पास में जो भी आपके भैरव जी का मंदिर हो वहाँ पे रविवार को उनके दर्शन करें। एक दाल की कचौरी ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा दही डाल दीजिए और तीन इमरती कंगन जिसको बोलते हैं वो हर रविवार को भैरव जी महाराज के यहाँ पे आपको चढ़ानी चाहिए। उसके साथ साथ में 1.25 रत्ती का गोमेद रत्न आता है जो राहु के लिए बताया जाता है, तो गोमेद रत्न चांदी के अंदर मध्यमा उंगली के अंदर धारण करके रखिए, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। और नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना आप करते हैं तो 2015 में आप थोड़ी तरक्की कर सकते हैं। जी पंडित जी, हमारे साथ जो अगली कॉलर है इनका नाम रेशमा है, ये बीकानेर से है। 16/3/82 इनकी तारीख है और सुबह 4:45 का इनका जन्म है। जी रेशमा जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार रेशमा जी, खुश रहिए। पंडित जी मुझे पूछना था कि मेरी सरकारी नौकरी है, मैं डिवोर्सी हूँ, मेरा एक पुत्र भी है, पर मेरी नौकरी पे मुझे हमेशा अकेले रहना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो मेरी ये परेशानियाँ, मैं सोचती हूँ छोड़ दूँ जॉब, तो मैं कैसे करूँ पंडित जी? मेरे को लगता है मैं अपने बेटे का जीवन निर्वाह कैसे कर पाऊँगी? देखो बेटा रेशमा, दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चूँकि आपके बोलते नाम से रेशमा जो आपका नाम है उसके हिसाब से आपकी तुला राशि है, तुला राशि पे 7.5 साल की शनि की 7.5 ही चल रही है, वो अभी 2 नवंबर 2014 को यानी एक महीने बाद में वो 7.5 ही खत्म हो रही है। उसके बाद में यानी 7.5 साल का एक नेगेटिव फेस आपका ख़त्म हो रहा है और अगला जो समय आ रहा है वो आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड आ रहा है। दूसरी जो चीज़ है तो नवंबर तक आप इंतज़ार करिए, निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी का योग है, 2015 में आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आपकी जन्म कुंडली में दाम्पत्य घर का जो स्वामी है चंद्रमा वो नीच का होकर बैठा है, इस वजह से आपके दाम्पत्य सुख में कमी हुई। संध्या समय के पश्चात सूर्य अस्त के पश्चात में सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए, जैसे दूध दही इन सब का, चावल इत्यादि, इनका सब सेवन आपको सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपके भाग्य स्थान में मंगल शनि दोनों एक साथ बैठे हैं। मंगल शनि दोनों इतने हैवी ग्रह हैं, इतने पावरफुल ग्रह हैं कि दोनों एक साथ एक ही घर में अगर बैठ जाएं तो भाग्यहीन बना देते हैं। तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी के साथ में, डंड के साथ में इसकी पूजा होती है। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल शनि की आप शांति करवाएँ और एक आपको 1.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में चांदी के अंदर मंगलवार के दिन धारण करना है। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें, निश्चित तौर पर 2015 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी पंडित जी, हमारे साथ जो हमारी अगली कॉलर जुड़ चुकी हैं वो हैं कल्पना भरतपुर से, लेकिन ये अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं कि बेटी का नाम अंगीरा है, उसका जन्म स्थान भरतपुर है, 27/10/91 इनका तारीख है और सुबह 6:30 का इनका जन्म है अंगीरा का। जी कल्पना जी पूछिए। चाहती हूँ पंडित जी की, एक तो ये बेटी का जो करियर है वो किस लाइन में होगा और इसका शादी वगैरह कैसी होगी, कहाँ होगी, वैवाहिक जीवन इसका कैसा रहेगा? देखिए कल्पना जी, आपकी बच्ची की 18 साल की राहु की महादशा चल रही है, वो राहु की महादशा अगले वर्ष 22/3/2015 को खत्म हो रही है, उसके पश्चात में गुरु की 16 साल की महादशा शुरू होगी, वो इसकी बच्ची का जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो जाएगा क्योंकि देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति सूर्य के घर में बैठे। दो तीन चीज़ें, एक तो बच्ची आपकी मांगलिक है, मंगल शनि दोनों हैवी मांगलिक जिसको बोलते हैं, तो वो मांगलिक है। उसके साथ साथ में सूर्य भगवान जो सूर्य हैं वो जन्म कुंडली में नीच के होके बैठ गए लग्न के अंदर, तो कहीं ना कहीं फिजिकल अनफिट कर देते हैं, अडामेंसी का करेक्टर, जिद का करेक्टर बच्ची के अंदर आ जाता है। तो नियमित रूप से आपकी बच्ची को सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल का अर्घ प्रदान करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, अब सिरहाने के पास में सोते समय बिस्तर के पास में एक तांबे के कलश में जल भर के रखें, सुबह उठते उस जल का आपकी बच्ची अगर सेवन करें तो सूर्य की जो नेगेटिविटी है उससे मुक्ति मिलती है। हर रविवार को एक ऐसे अंजलि में जितना गेहूँ आ जाए उतना गेहूँ भर के कोई लाल रंग की गाय हो अगर उसको खिलाएं तो सूर्य की जो नेगेटिविटी है निश्चित तौर पर उससे उसको मुक्ति मिलेगी। आपकी बच्ची का गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है 2015 से, उसके पश्चात में न केवल इसको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती बल्कि पूर्ण दाम्पत्य सुख इसको प्राप्त होगा। दाम्पत्य सुख में कोई कमी नहीं, शनि स्वग्रही है, मन का सुख, जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा बंगला, हर तरह का सुख है। 18 साल का नेगेटिव पीरियड खत्म हो रहा है, आने वाला समय बहुत अच्छा है, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
अपने दिन को बेहतरीन बनाने के लिए आपको सिर्फ ये गुड लक टिप्स अपनानी है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या कुछ है खास कर्क सिंह और कन्या राशि में आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप जो भी कदम आपको जो उठाना है वो बहुत ध्यान से और सोच समझकर आपको उठाना है। आज आपके सामने एक साथ कई तरह के काम रहेंगे, लेकिन आपको जो भी काम करना है उससे पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ करना है। अपनी पुरानी आदतों को, जैसे कोई अगर नशा करने की कोई आदत है तो उसे आज आप नियंत्रण में रखने की कोशिश करें, अन्यथा आज आपका नुकसान हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ देकर और परिक्रमा करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपनी मायूसी छोड़ देनी है। कई स्थितियों में परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके पक्ष में रहेगा और आपके लिए कई नए अवसर आज बनने जा रहे हैं। ध्यान रखें, आज आपको दूसरों से ज़्यादा खुद पर भरोसा रखना है। आर्थिक स्थितियां आज आपके अनुकूल रहेंगी। व्यापार के लिए आज का दिन अच्छा है। कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है यह संकोच आज आपका खत्म होगा और आप तय किए गए काम पर यदि जुट जाए तो निश्चित तौर पर आज आपका पूरा दिन सफलताओं से भरा हो सकता है। आज आप लाभ के मामले में भी भाग्यशाली रहेंगे। निवेश आज आपको थोड़ा सा सोच समझ कर करना। स्वास्थ्य के विषय में भी ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान रखें, मन को खुला रखें। किसी भी तरह की जिद आज आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। जी पंडित जी, इससे पहले हमारे पास एक कॉलर जुड़ चुके हैं। उनका नाम नरेश है, अलवर से है। ये अपने बेटे विकास के लिए पूछना चाहते हैं। इनके बेटे का तारीख है 16/5/90 और 7:20 सुबह का इनका जन्म है। जी नरेश जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मेरे को पूछना था, बच्चा जो सीए कर रहा है तो कब तक क्लियर हो जाएगी इसके फाइनल में, और क्या सरकारी नौकरी है? देखिए, आपकी जो बच्चे की जन्म कुंडली है, जो सबसे बड़ी चीज़ है उसके अंदर, एक तो 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में भी शनि का अंतर अभी दिसंबर 2014 में ख़त्म हो रहा है। उसके बाद राहु में बुध शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा समय इस बच्चे का शुरू हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु का जो कार्यकाल होता है, राहु आपके बच्चे के भाग्य स्थान में बैठा है। राहु, शनि और चंद्रमा, राहु चंद्रमा यदि साथ हो तो चंद्र ग्रहण योग बनता है और शनि चंद्रमा यदि साथ हो जाए तो विष योग बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा मेहनती तो बहुत रहेगा, लेकिन उसको मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्ण रूप से भाग्य का सुख नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को पूर्ण भाग्य का सुख प्राप्त हो, उसको हर कंपटीशन में सफलता प्राप्त हो, सरकारी नौकरी प्राप्त हो, सीए के एग्जाम्स वो क्लियर करे, तो सबसे पहला काम तो ये है कि उज्जैन जाके किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में कालसर्प दोष की शांति करवाइए। 1.25 रत्ती का गोमेद रत्न चांदी में बनवा के, अब आने वाले रविवार में, अभी नवरात्र आ रही है, उस रविवार के अंदर मध्यमा उंगली के अंदर उसको धारण करवा दीजिए। उस बच्चे के नाम से नियमित रूप से हर रविवार को भैरव जी के यहाँ पे मंदिर में आप दर्शन करें, एक दाल की कचौरी, उस पर दही और 3 इमरती कंगन, ये आप अर्पण करें भैरव जी के मंदिर में, तो निश्चित तौर पर दिसंबर 2014 के पश्चात का जो समय, यानी सन 2015, इस बच्चे के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ला सकता है। जी नरेश जी, तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। पंडित जी ने जो भी उपाय बताए हैं बस वो कीजिए, आपके बेटे की जिंदगी जरूर सफलताओं से भरेगी। आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने जाना कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सामने एक साथ कई तरह के काम रहेंगे। कई कामों को आज आपको उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा। अगर कोई काम आपके सोचे हुए ढंग से नहीं होता है तो भी आज आपको परेशान नहीं होना है और थोड़ा सा धैर्य आपको बनाए रखना है। नौकरी में आज आपका सब पूरा दिन ठीक रहेगा। किसी भी चीज़ पर, किसी भी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा आज आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी है।
आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दशक हैं, आज के दिन की शुरुआत आपकी अच्छी रहेगी। ध्यान रखें, यदि आप मेहनत करें तो आज आपको फायदा होगा। और ये भी ध्यान रखें कि अपने कॉन्फिडेंस का जो स्तर है उसको आपको बनाए रखना है। कॉन्फिडेंस आज आपको अपना बनाए रखना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन ठीक है। दफ्तर में मान सम्मान मिलेगा। पैसे कमाने के नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना खिलाएं। निश्चित तौर पर पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दशक हैं, आज का दिन पैसा, परिवार और किस्मत तीनों का सुख देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा जो हमारे दशक हैं, उनके लिए श्रेष्ठ समय शुरू हो चुका है। व्यापारियों को लाभ मिलेगा। सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। अधिकारियों और अधीनस्थों से आज आपको सहयोग मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए प्रातः गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने क्या करें और क्या नहीं जिससे आज का आपका दिन बन जाए बेहतरीन। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले पंडित जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। इनका नाम रजकांत है, अलवर से हैं। ये अपनी बेटी खुशी के लिए पूछना चाहते हैं। 6/12/2005 इनकी बेटी की जन्म तारीख है और सुबह 7:30 बजे का इनका जन्म है। रजकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ सर, ऐसा था कि मैं ये बच्ची स्कूल में भेज रहा हूँ, तकरीबन 6 साल हो गए, लेकिन अभी इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है और इसकी याददाश्त बिल्कुल कमजोर है, ऐसा क्या है? देखिए राजकांत जी, आपकी इस बच्ची की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। कई बार बच्चों में जो परिवर्तन आता है वो थोड़ा देर से आता है। सूर्य बुध बुध आदित्य योग इसके लग्न में है। बहुत ब्रिलियंट माइंड की ये बच्ची रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसकी जो बुद्धि है वो बहुत तीव्र रहेगी, लेकिन एजुकेशन हाउस के अंदर विद्या के क्षेत्र में राहु बैठा है इसके, और राहु का काम है उतार चढ़ाव करना। राहु मतलब सांप, टेढ़ा चलता है सांप। कभी तो ये मेहनत करेगी, कभी मेहनत नहीं करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका दिमाग तेज नहीं है। निश्चित तौर पे ये बच्ची जो है, आपकी 7 पीढ़ियों में कोई कन्या इतनी आगे नहीं बढ़ी होगी जितनी ये बच्ची आगे बढ़ेगी। सिर्फ फर्क इतना सा है कि एक नकारात्मक समय में से गुजर रही है, उसके कारण इसकी जो बुद्धि है वो थोड़ी सी कमजोर हो रही है। आपको करना ये है कि 1.25 रत्ती का गोमेद रत्न लेके उसका पेंडेंट बना के चांदी में रविवार के दिन इसके काले डोरे में इसके गले के अंदर डाल दीजिए, और इस बच्ची का जो पढ़ने का कमरा हो वो पूरब और उत्तर का जो कोना है जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उस कमरे में आप इसके पढ़ने का कमरा बनाइए। टेबल कुर्सी पे बैठ के इस बच्ची को पढ़ने की आदत डालिए। बिस्तर में बैठ के कभी भी पढ़ने वाले बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। जिस बिस्तर में बैठें उस बिस्तर पे खाना भी कभी नहीं खाना चाहिए। बहुत सिंपल से ये टिप्स हैं, आप इनको अपनाइए। निश्चित तौर पे आपकी बच्ची का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, और अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए। जी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को आज क्या करना है और क्या नहीं दिन को बेहतरीन बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अगर आप किसी काम पर एकाग्रता पूर्वक यदि ध्यान देते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो निश्चित तौर पर आज सफलता आपके कदमों में होगी। जो भी करना है वह आप स्वयं ही करें, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो। धन लाभ होने की उम्मीद है, पैसा तो आएगा ही, काम की बात भी आज होगी। खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दें। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की आराधना करके दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दशक हैं, आज आपको एक साथ कई तरह के कामों और दायित्वों पर ध्यान देना होगा। एकाग्रता और मेहनत, कंसंट्रेशन और हार्ड वर्क चुनौतियों से पार पाने में सक्षम रहेगी। अगर आप आज हल्की सी भी कोशिश करेंगे तो किस्मत आपके पक्ष में हो सकती है। इनकम आपकी इच्छा अनुसार बढ़ सकती है। कुछ काम जरूर पूरे होते होते अटक जाएंगे, लेकिन धैर्य बनाए रखें। महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अपने बुजुर्गों की राय भी अवश्य जान लें। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाकर दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफल रहेगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन शुभ और फायदा देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं और बिजनेस वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन ओवरऑल अच्छा है। आज की आपकी मेहनत आपको आगे चलकर बहुत लाभ, सम्मान और संभवतः नौकरी में प्रमोशन भी दिला सकती है। ध्यान रखें, जीवन के लक्ष्यों और अपनी महत्वाकांक्षाओं के प्रति आज आपको सावधान रहना है।
अकारण की चर्चा और कानाफूसी से अपने आप को दूर रखें। आज के दिन की सफलता के लिए काग देवता को यानी कौवे को खीर खिलाएं तो पूरा दिन सफलताओं से शुभताओं से भरा रहता है। पंडित जी, ये तो आपने बताया आज का राशिफल। आखिर में जान लेते हैं हमारे दर्शकों के लिए आज के कोई पावन मंत्र। जी बिल्कुल, आज मैं आपको जो पावर मंत्र बता रहा हूँ वो लगभग आज के समय में हर इंसान की एक समस्या है। तो वर्तमान समय में कर्ज यानी लोन लेना कोई बुरा नहीं माना जाता है। व्यक्ति अपने जीवन की दैनिक जरूरतों के लिए कई बार कर्ज ले लेता है, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब कर्ज चुकाने का समय आता है। वो कई बार कर्ज के रूप में लिए गए रूपों से कई गुना धन चुकाने के बाद भी कर्ज पूरा नहीं हो पाता, वो कर्ज वहीं का वहीं खड़ा रहता। और अक्सर देखा गया है कि कर्ज के कारण बहुत से लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो अगर आपके साथ में भी यही परेशानी है तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको असंभव को संभव में बदलने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ मंत्र बताने जा रहा हूँ। संपूर्ण संसार में भगवान श्री गणेश जी की उपासना शीघ्र फल देने वाली मानी गई। देवताओं में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा उपासना सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। श्री गणपति जी का ये जो मंत्र है बहुत अनुभूत है। बड़े से बड़े ऋण से इस स्त्रोत का पाठ करने से मुक्ति मिल जाती है। आप इस मंत्र को लिख लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पे भी ये मंत्र आ रहा है। बहुत काम का सरल मंत्र है। ओम गंग लक्ष्मयो आगच्छ आगच्छ फट। पुनः इसका उच्चारण सुनिए, ओम गंग लक्ष्मयो आगच्छ आगच्छ फट। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन 108 बार आपको जाप करना है। भगवान गणपति की आराधना करनी है, उनको दुर्वा चढ़ानी है, मूंग चढ़ाने हैं, उनको अर्ध प्रदान करना है। निश्चित तौर पे यदि आप भगवान गणपति की आराधना करते हैं तो न केवल कर्ज से मुक्ति मिलेगी बल्कि शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, माता संतोषी का आशीर्वाद आपके जीवन में, आपके घर में हमेशा बना रहेगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं आज का हमारा कार्यक्रम आपके दिन को खुशनुमा बनाने के लिए उपयोगी साबित होगा। आज आपने जाना कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और अपने दिन को बनाएं अच्छा, और साथ ही आज हमने दी आपको गुडलक टिप्स भी। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आएगा। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के। जय श्री कृष्णा। आज आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ। अगर आप भी अपने किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही में ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।